राजस्थान में आदिवासियों का मुद्दा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो इसको लेकर आवाज़ भी उठा रहे हैं, चाहे वो राजकुमार रोत हों, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हों। आज आदिवासी दिवस है, इस पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आदिवासियों की समुदाय की पहचान क्या है और किस तरीके से ये अब देश में भूमिका निभाते हैं। इनके नृत्य, इनके गायन सब काफ़ी फेमस हैं। बने रहेगा हमारे साथ, आखिरी तक बात करेंगे सभी पे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद, भारत का, भारत के लिए। आदिवासी दिवस के मौके पर किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा हाई कोर्ट में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिन पूरे विश्व में आदिवासी समुदाय की पहचान और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राजस्थान में आदिवासी समुदाय का महत्व क्या है, अब इसको समझते हैं। राजस्थान में आदिवासी समुदाय की संख्या बहुत बड़ी है और ये समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं को बहुत गर्व के साथ निभाता है। इस इवेंट में लाखों आदिवासी लोग इकट्ठा होते हैं और यह राज्य का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है, जहां लोग आदिवासी संस्कृति की झलकियां, नृत्य और गीत जैसे चीज प्रस्तुत करते हैं आदिवासी समुदाय के लोग। अब इसमें समझते हैं कि राजनीतिक तटस्थता में सामाजिक संदेश क्या जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा ये जो कर रहे हैं, इससे समाज में क्या संदेश जाने वाला है, ये साफ किया गया है। मीणा ने ये साफ किया है कि आयोजन किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर से उठकर किया जाता है। ये जो कार्यक्रम होगा, ये किसी राजनीतिक दल द्वारा स्पॉन्सर नहीं होगा। इसमें कोई नेता, वो जहां जो भी लोग जाएंगे वो आम जनता की तरह यहाँ पे जाएंगे। हालांकि 2018 में पीएम मोदी और 2023 में राहुल गांधी भी यहाँ आ चुके हैं। इसका मतलब है कि इस इवेंट को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य ये आदिवासी संस्कृति को और मुद्दे को ध्यान केंद्रित करना है कि ये आदिवासियों की जो संस्कृति है, इसको और कैसे बढ़ाया जाए। जहां हम बात करते हैं आदिवासियों के शिक्षा के ऊपर कि इनको कैसे और आगे लाया जाए, पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर राजकुमार रोत ने भी आवाज़ उठाई, तो ये भी एक संस्कृति है जिसको आगे बढ़ाने में सबका योगदान होना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। मीणा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी इससे उजागर किया जाएगा, जैसे कि 3 लाख से ज़्यादा लोग पेड़ लगाने की पहल की है इस आदिवासी समुदाय में। ये पहल 20-25 साल पहले ही जो है शुरू हो चुकी थी, जो अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है दौर में भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। अब व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, समुदाय जो है आदिवासी समुदाय से, मीणा ने बताया है कि आयोजन सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं किरोड़ी लाल मीणा। भले ही उन्हें शारीरिक रूप से कुछ कठिनाइयां हैं, हमने देखा कि जिस तरीके से उनका इलाज चल रहा था, पर फिर भी वो इस कार्यक्रम में इकट्ठा होंगी। ये दिखाता है कि उनके लिए ये आयोजन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदाय और उनकी संस्कृति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है। वो जिस तरीके से रुचि रखते हैं इन सब चीज़ में, ये बेहद अच्छी चीज़ है। इस तरह से पूरा जो है राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी लाल मीणा ने ये अलग करके दिखाया। यही बात उनको अलग बनाती है कि जिस तरीके से वो आदिवासी समुदाय के साथ जा रहे हैं और उन्होंने बयान जिस तरीके से दिया, कहा कि ये सिर्फ किसी राजनेता के लिए नहीं है, ये राजनीतिक दृष्टि से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। ये तो बल्कि एक आम आदमी की तरह, जैसे 2018 में प्रधानमंत्री मोदी आए थे, 2023 में राहुल गांधी आए थे, ये दर्शाता है कि आदिवासियों का परंपरा जो है पूरे देश में जानी चाहिए। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए संवाद, भारत का, भारत के लिए।